YouTube channel and this is Sota ji and that's the Babu Paji. भाई ना कल शाम को पहुंच गए थे सरचू 6 बजे पहुंचे थे, पर ना किसी की हालत ऐसी नहीं थी कि हम आगे जा पाए, क्योंकि ना 70 किलोमीटर पे पांग रह गया था। हमने ये सोचा था कि हम पांग तक कवर कर लेंगे, पर भाई नहीं हुआ, इसलिए हम लोग बीआरओ के बेस कैंप में रुके थे। और सुबह सुबह ना क्या हुआ भाई, एक भी गाड़ी चालू नहीं हुई, पता है क्यों? क्योंकि रात में सुपर बाइक सारी स्टार्ट हो गई थी, पर जो मेन है वो तो शुरू नहीं हुई ना। मतलब सुपर बाइक जो दो थी तीन थी वो तीन चार सेल्फ में शुरू हो गई, बाकी रही जिप्सी, जो थी जिप्सी बंद हो गई, दो केटीएम बंद हो गए और साथ में जो डोमिनार बंद हो गई, मतलब चार बाइक की वाट लग गई भाई। और थैंक यू भाई ये बीआरओ के कैंप के लिए जो हमको रात में यहाँ पे रुकने दिया। और रात को ना शायद -12 डिग्री थी ना भाई, -12 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर था, और किस हालत में हम रुके हैं हमको नहीं पता था। अभी भी ना एल्टीट्यूड के कारण थोड़ा सा सिर हमारा भारी है, पर कोई टेंशन नहीं, आज किसी भी तरह से लेह को पहुंचना ही है। वैसे कल शाम से 6 बजे के बाद मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया, और यही वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे और पहुंचेंगे लेह तक। तो बस 5-10 मिनट रुक जाओ, हम सब लोग गियर अप करते हैं, उसके बाद ना फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो भाई ना कल शाम को 6 बजे पहुँच गए थे सरचू से निकलना था हमें आगे पांग पर, क्या करें यार, लैंडस्केप हुआ था उसकी वजह से रास्ता बंद था। फाइनली यार यहाँ पे पांग में देखो यार, सॉरी पांग नहीं सरचू में एक भी होटल या एक भी होम स्टे खुला नहीं था। हम बिल्कुल फंस चुके थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या किया जाए। दो लोकलिस्ट मिले, उन्होंने बताया आप एक काम करो बीआरओ के कैंप पे चले जाओ, शायद आपको वहाँ पे स्टे का ऑप्शन मिल जाए। भाई फाइनली अंदर के जो कैप्टन है, उन्होंने नाम नहीं बताऊंगा यार भाई सॉरी, अंदर के जो कैप्टन है उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं ठीक है, आप 9 लोग हो आ जाओ अंदर, रात का डिनर सुबह का ब्रेकफास्ट और चाय सब कुछ करवा दूंगा। ओ जो ऐसा रास्ता है ना भाई, अरे बाप रे, हाँ ओ हो और वैसे ना भाई आज धूप निकली है ना तो हम जिंदा है, वरना आज तो गए काम से, मर गए भाई। वापिस खराब रास्ता, मतलब इस बार तो कुछ खराब ही दिख रहा है भाई। कोई बात नहीं भाई, 70 किलोमीटर तक ही ऐसा रास्ता हमें मिलेगा, पांग तक मिलेगा। अच्छा हुआ बेस कैंप में जगह मिल गई भाई, वरना उस रात कल शाम को अगर 6 बजे पांग मरने का सोचा होता ना तो गए काम थे। और वैसे बता दूं यहाँ से 70 किलोमीटर तक आपको एक ढाबा तो क्या एक छोटी दुकान भी दिखाई नहीं देगी, पूरा सुनसान एरिया है ये। हो हो कल रात को यहाँ पे -12 डिग्री था, दिख रहा है आपको, ये भाई पानी है, नदी है और ये पूरी जम चुकी है। सोचो हम किस सीजन में निकले हैं, जिस सीजन में सब लोग घर जाने की सोच रहे हो ना, हम उस सीजन में आए हैं भाई। कुछ भी हो जाए करना था। देखो यहाँ से एक सेकंड के लिए दिखाता हूँ आपको, देखो ये पूरी नदी है, पूरा बर्फ है भाई, पानी ही नहीं है। जो व्हाइट जितना पोर्शन दिख रहा है ना, सबका सब बर्फ हो चुका है। कल रात को -12 डिग्री में हम लोग यहाँ पे जिंदा बच गए भाई। हाँ वही 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 क्या कर दिया, और रुक जा भाई, कैमरे में ध्यान बाद में देना, पहले इसमें दे। ओ शिट अरे बाकी सारे दोस्त कहाँ गए, सभी लोग पीछे रह गए हैं। ओए ना भाई, मैं और उत्सव यहाँ आगे निकल चुके हैं, ये रास्ता सीधा जाता है, शायद वो हमारे राइडर्स आ रहे हैं। हम यहाँ पे खड़े थे 10-15 मिनट से, सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर ले। अभी देखो यार धूप है ना, फिर भी इतने ग्लव्स पहन रहे ना तो गर्मी नहीं ठंडी लग रही है। तो देखते हैं बस यहाँ से जल्दी से पांग पहुँचते हैं। पांग पहुँचने के बाद लेह तक का जो रास्ता है ना वो डबल रास्ता है, उसमें ज़्यादा हमें टाइम नहीं जाएगा, तो हम फटाफट से लेह तक आराम से पहुँच सकते हैं।
हमने सोचा था ना हम 2-3 बजे तक लेह पहुंच जाते, बाइकें स्टार्ट नहीं हुई, उस चक्कर में 2 घंटे खराब हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, पर 4 बजे से पहले ना किसी भी हालत में लेह पहुंचना है। और फिलहाल ना आगे आएगा तांगलांगला, तांगलांगला पे जो क्या बोलूं ठंडी जो है ना भाई वो सरचू से भी ज्यादा है, तो वहां पे भी रुकना नहीं है, फटाफट से भाग के लेह तक पहुंचना है। बस अभी इन दोनों इन सभी राइडर्स की वेट करते हैं 10-15 मिनट, वो सब आ जाए साथ में, फिर हम लोग आगे एक साथ निकलेंगे। द मोस्ट डेंजरस रोड, हाहा, नीचे नदियां दिख रही है पर वो फ्रीज है भाई, बर्फ है बर्फ। ओ भाई कौन से ब्रिज पे ब्लॉक करना है, होए होए। क्या लिखा है, विजिट अगेन। ओ तेरी, तो भाई देख रहे हो ये ना सारी की सारी बर्फ है। देखो रास्ते पे जो नाले जो पानी भर जाते हैं ना भाई, वो इसमें देखो है, ये पूरे के पूरे ब्लैक आइस की तरह है भाई। इसमें गाड़ी नहीं चलानी है आपको, कुछ भी हो जाए। हाँ, रास्ते के बीचों बीच, हो मैन, ये देखो ये सारे के सारा बर्फ है। रास्ते में बर्फ जमे पड़े हैं भाई, तो सोचो अभी यहाँ पे ठंड कितनी होगी। ओए होए होए होए, इसमें से किसी भी हालत में गाड़ी नहीं निकालनी है। हाँ, हो देखी डालना वैसा ना भाई। अभी पहुंच चुके हैं पांग, पांग को पहुंचने में बहुत टाइम लग गया भाई। वजह ये थी रास्ता बहुत ज्यादा खराब था, पिछला 20 किलोमीटर तो बात ही मत करो यार, पर ठीक है कोई बात नहीं। अभी यहाँ से निकलेंगे लेह की ओर, एंड यहाँ पे जो अंकल बैठे थे ना उन्होंने ऐसा बताया कि बस 10 किलोमीटर ही पहाड़ है, उसके बाद तो सीधा 50 किलोमीटर का सीधा रास्ता है, फिर आएगा तांगलांगला। तो भाई तांगलांगला ना वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट पास है, वहां पे ज्यादा जाने वाले हैं भाई, समझ लो। मतलब अभी रास्ते में यहाँ पे देखो इतनी बर्फें मिल रही थी, और अभी तो तांगलांगला मतलब गए काम से, ले पहुंचेंगे आई थिंक शाम को 7 बजे, तब तक ठंडी हमारी जान ले चुका होगा। कोई बात नहीं, सुबह से प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, चलते हैं यहाँ से थोड़ी देर। पांग से निकलते हैं लेह की ओर, पर ना पहले करना पड़ेगा आप सभी लोगों को यहाँ पे एंट्री, उसके बाद यहाँ से हम आगे निकल पाएंगे। सबकी एंट्रियाँ होगी, कितनी कितनी गाड़ियाँ जा रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट, तो कुछ नहीं मांगा है पर ये लिखवाना पड़ेगा ताकि इन लोगों को याद रहे कि भाई आज यहाँ से इतनी गाड़ियाँ निकली है और वहाँ से सामने इतनी गाड़ियाँ पार हो चुकी है। तो मतलब GJ10CP0004। वैसे ना मैं सुबह से बाइक चला रहा था 9:30-10 बजे से, और बूजा लेके चलना ना मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, पर इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे कितने लोगों ने बोला था
कि भाई भूसा लेके मत जा, भूसा वापिस नहीं आएगी, ये देखो दूसरी भूसा है यार। हम दो भूसा लेके चले, बबू भाजी तो 10 आर लेके चले, कोई बात नहीं भाई, 6 से 7 बंदे हैं, और अगर देखो यार नुकसान होता भी है ना तो भले ही हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी ना टेंशन दूसरा चल रहा है, टेंशन ये है कि अभी आने वाला है तांगलांगला। तांगलांगला में वर्ल्ड का ओए रुक जा, ये है वर्ल्ड का दूसरा सबसे हाईएस्ट पास, पहला है खाडुंगला, वो है लेह से, वहाँ पे हम कल जाएंगे। वैसे ना लेह से खाडुंगला का रास्ता सिर्फ 45 किलोमीटर से, वो तो दो घंटे में पहुँच जाएंगे, और बोल रहे कि 45 किलोमीटर का रास्ता ना ऐसा ही रास्ता है, तो आराम से आपकी गाड़ी 70-80 के चलेगी, तो हम डेफिनेटली 1-2 घंटे में पहुँच जाएंगे खाडुंगला, पर वो कल जाना है। हाँ, वाटर रोड मैन, क्या बात है, ऐसा रोड ना 50 किलोमीटर तक शायद सीधा रोड है, उसके बाद तांगलांगला, हो ले रह गया 179 किलोमीटर, क्या बात है। ओ पता है पिछले ना 500 किलोमीटर के बाद अपनी भूसा पहुंची है 100 पे, तब तक तो बस दूसरा तीसरा गियर ही चल रहा था और कोई नहीं चल रहा था। उड़ी कैमरे में शायद दिखाएगा कि नहीं दिखाए पता नहीं है, हवा देखो कितनी तेज चल रही है। ओए होए 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 OMG, बाइक पूरी मेरी, हो निकल जा जल्दी, काफी तेज है हवा, हो बस भाई तांगलांगला पास यहाँ से सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर, और ठंडी इतनी बढ़ चुकी है, धूप हमारे ऊपर आ नहीं रही है, सामने बिल्कुल दिख रहा है बर्फों का पहाड़, और हाथ देखो यार ऐसा लग रहा है ना कि कोई सुइया चुभ रहा है हाथ में, इतनी ज़्यादा ठंडी। हाँ, हेलमेट के अंदर जब सांस ले रहा हूँ ना पूरा फोग हो जा रहा है। ओ मैन, तांगलांगला 1 किलोमीटर, क्या बात है, यही है शायद प्लास्टिक फ्री जोन। शौर्य चक्र RCC वेलकम्स यू एट द तांगलांगला टॉप, 17,582 फीट, 17,582 फीट भाई, तो देख लो। भाई मेरे से नहीं रुका जा रहा है, यहाँ पे मैं निकल रहा हूँ।
हाँ, तो भाई तांगलांगला पार करने के बाद फाइनली लेह वाले रोड पे चढ़ चुके हैं। अभी ना कितना बजा पता नहीं है, मेरी सुबह सुबह जो बैटरी निकाली थी ना उसके बाद मेरी घड़ी चेंज हो गई है, पर इतना बता सकता हूँ कि शाम तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। और तांगलांगला से जब नीचे उतरे ना तो ठंडी लग रही थी, पर अब ना बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम नॉर्मल टेम्परेचर में वापस जा रहे हैं। तांगलांगला पे आई थिंक मेरे ख्याल से 0 to 5 degrees के बीच में ही टेम्परेचर होगा जो मैंने महसूस किया, उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ। और ये लेह यहाँ से है 69 किलोमीटर और उपसी 20 किलोमीटर। उपसी पे हम लोग वेट करेंगे बाकी सारे राइडर्स का, वहाँ पे थोड़ा सा चाय पानी पीते हैं, उसके बाद कौन सी होटल है वो पता है बब्बू बाजी को, बाबू बाजी ने कौन सी होटल बुक की है। हाँ ना, तो फिलहाल भाई तांगलांगला से हम लोग निकल चुके हैं, मैं कवि भाई और सिद्धू बाजी हम तीनों ना, अभी शायद ले 50 किलोमीटर ही बाकी है, पर यहाँ पे इसलिए खड़ी की क्योंकि ना मैं थोड़ा सा पानी पीना था। और यार व्यूज़ देखो क्या व्यूज़ है, ये व्यूज़ के लिए ही हम लोग खड़े हो गए। जहाँ तक देखो ना दरिया लिए भाई, मतलब यार देखो पानी कितना पानी जा रहा है, पर अंदर के जो पत्थर ना वो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं यार, क्या बताऊं मैं। होटल लोकेशन मैन, पर्पल कलर के पत्थर ये देखो, ओ तेरी, यहाँ पे तो पत्थर भी पर्पल कलर के है, देखा क्या बात है यार, क्या लोकेशन है, सुपर्ब। वैसे ना यहाँ से पहले ले पहुंच के अगर मोबाइल में नेटवर्क आता है ना तो पहले घर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, 2 दिन से बात नहीं हुई, घर वाले शायद परेशान हो सकते हैं। पहले फटाफट ना यहाँ से चलते हैं, घर को फोन करते हैं, उसके बाद होटल में जाके आराम से इस वीडियो को एंड करेंगे। मलिक भाई का टेस्ट, एक्चुअली हम हैं इस टाइम ले के बॉर्डर पे बिल्कुल, तो एंट्री करने से पहले सबके टेस्ट होते हैं यहाँ पे, रैपिड टेस्ट, देन हमें अगर अंदर एंट्री मिलेगी, अगर एक का भी कांड हो गया तो भाई उसे यही घेर लिया जाएगा और एक हफ्ता अपने साथ सरकारी मेहमान नवाजी दिखाई जाएगी। बस कंबल दे देना और कुछ नहीं चाहिए, कंबल दे देना और कुछ नहीं चाहिए। आ कर तुम लोग में क्या अंकल जी, थोड़ा काम करना है। डरो 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 डर के आगे जीते आपको माउंटेन ड्यू फ्लाई जाएगी। आगे हटालो ड्रिंक, कुछ नहीं है, नथिंग है, गया ही नहीं अंदर बापू। अभी खुशी हो गया, आंसू आने वाले। तो वैसे ना भाई अभी बज रहे 7:10 और ले के अंदर एंट्री करने वाले थे उससे पहले ही बाहर आ गया COVID-19 का टेस्ट। हो माँ, ऐसे नाक में उंगलियां की ना, आँख में से आंसू निकल गए। फिलहाल ये बता दूं आप सबको कि हम 9 लोग हैं, 7 बाइकर और 2 जिप्सी में साथ में है राज भैया और वो तो ना, सभी लोगों के नेगेटिव आए हैं, 9 के 9 लोग। ले 50 किलोमीटर, होटल है अपना 52 किलोमीटर, अंधी 1 घंटा और लगेगा होटल पहुंचने में। ओ यहाँ पे वापस चेकिंग होगी शायद कि भाई सैनिटाइज किया कि नहीं किया, क्या किया, चलो कुछ तो नहीं है अभी। हैप्पी जर्नी। हाँ भाई, वैसे ना अभी एक घंटा हो गया यहाँ पे पहुँचने के बाद, सब लोग फ्रेश हुए, उसके बाद हम लोग ने सोचा कि चलो भाई खाना खा लेते हैं क्योंकि खाना इम्पोर्टेंट है। कल सुबह से हमने कुछ नहीं खाया भाई, कल रात पे जहाँ पे बीआरओ के कैंप पे रुके थे वहाँ पे सिर्फ दाल और रोटी मिल रही थी और कुछ नहीं मिल रहा था। बस अभी ना यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, सब लोग खाना खाएंगे और ना बड़ी मुश्किल से तांगलांगला पास करके ना 8:30 बजे पहुंचे ना भाजी, 8:30 बजे फाइनली हम लोग पहुंच गए लेह पे। और यहाँ पे होटल है सबसे बढ़िया शिल्पा लद्दाख होटल। फिलहाल ना चलते हैं खाना, बहुत भूख लगी है क्योंकि 2 दिन से कुछ नहीं खाया।